सो हे गाइस वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और नई वीडियो में। तो हम लोग बात करने वाले हैं उस शानदार लीग की जिसने कि सट्टेबाजी को तुम्हारी जिंदगी में कमाने का एक ऑप्शन बना दिया है। हाँ, आईपीएल की। आईपीएल वो शानदार है जो कि एक बार को पाकिस्तानी क्रिकेटरों को पाकिस्तान का होने पर अफसोस करवा देती होगी। आईपीएल ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, जैसे की ड्रीम इलेवन, वाई इलेवन, सर्कल ऐप, धोनी को अभी तक खेलते हुए देखने का मौका। तो चलो आओ यार, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट चीज की, आईपीएल के कैमरामैन। Well done। जैसा काम आईपीएल के कैमरामैन करते हैं ना, इनको आईपीएल से सैलरी के साथ साथ मीम पेजरों से क्रेडिट मिलना भी बनता है। ये लोग इतने खुफिया तरीके से काम करते हैं कि किसी भी लड़की को बिना पूछे और बिना बताए रातों रात उसकी जिंदगी पलट देते हैं। आईपीएल के कैमरामैन के हाथों में ना वो पावर होती है जो कि आरसीबी के 49 रनों वाली बोरिंग से इनिंग में से भी तुम्हें इंटरेस्टिंग सपाट ढूंढ के देते हैं। यार अगर इन लोगों की किस्मत थोड़ा और अच्छी होती ना, तो ये लोग आईपीएल में कैमरामैन बनकर पराई लड़कियों को नहीं बल्कि इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर बनकर हीरोइनों को सिलेक्ट कर रहे होते। देखो यार, एक कैमरामैन बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक कैमरा, मजबूरी या फिर पैसा? लेकिन आईपीएल का कैमरामैन बनने के लिए तुम्हें चाहिए एक कैमरा और हरामी मन। ये लोग इतने हरामी होते हैं कि विराट कोहली के आउट होने पर एम्पायर के डिसीजन से पहले अनुष्का शर्मा का रिएक्शन दिखाते हैं, वो भी स्लो मोशन में। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। खैर अब हम लोग बात कर लेते हैं उस चीज की जिसकी वजह से कि आईपीएल चलता है, नहीं नहीं प्लेयर्स की नहीं बल्कि ब्रांड प्रमोशंस की। आईपीएल का हर सीजन जहाँ देश को नए नए क्रिकेटर देता है, वही नए नए करोड़पतियों से भी मिलवाता है। आईपीएल के हर सीजन में जहाँ नए नए प्लेयर्स को क्रिकेट खेलकर अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, तो वही पुराने और रिटायर हो चुके प्लेयर्स को एप्स का प्रमोशन करके तुम्हें करोड़पति बनाने का दे रहा है इंडिया का सबसे बड़ा फर्स्ट प्राइज। एक बार को ये लोग आईपीएल बिना ऑडियंस के फिर से करवा देंगे, लेकिन बिना सट्टेबाजी को प्रमोट किए हुए नहीं। आईपीएल को अगर दूसरे तरीके से बोला जाए ना, तो ये बिजनेस करने का सबसे मनोरंजक तरीका है, क्योंकि यहाँ तुम्हें 15,000 रुपए के चाइनीज फोन से लेकर 15 रुपए किलो बिकने वाले नमक तक सब कुछ मिल जाएगा। और चलो यार, ये तो फिर भी एक बार को चलता है, क्योंकि बिना इनके सपोर्ट के आईपीएल करवाने के लिए पैसे भी कहां से आएंगे। लेकिन ये लोग प्रमोशन करने के लिए इतने लिपटे पड़े हुए हैं कि अगर बेचारा कोई खिलाड़ी छक्का भी मार रहा है, तो उस खिलाड़ी के नाम से पहले इनके मुंह से ब्रांड का प्रमोशन करते हुए अनपढ़ अकेडमी क्रैकेट सिक्स निकलता है। खैर, तो अभी अपन लोग बात कर लेते हैं इस सीजन के कुछ प्लेयर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग ईशान किशन की। अब यार, मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी इसलिए हैं क्योंकि यार उन्होंने आज तक कभी गलत जगह अपना पैसा नहीं लगाया। लेकिन पहली बार मुकेश अंबानी को कहीं अपना पैसा लगाकर अफसोस हो रहा होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं यार कि दुनिया में सबसे महंगा चूतिया कटवाने और काटने वाला काम मुकेश अंबानी और ईशान किशन ने किया है। और कुछ हरामी और जरीम लोग तो ऐसे भी यार जो कह रहे हैं कि 15 करोड़ लेकर जितने ईशान किशन ने रन बनाए उससे ज्यादा हम 15 करोड़ में कत्ल कर देते। नहीं, ईशान किशन के प्राइस के हिसाब से देखा जाए ना, तो उनके बनाए हुए रनों का एवरेज उमेश यादव की इकोनॉमी से थोड़ा बहुत ही ज्यादा मिलेगा। यार सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं वीके विराट कोहली की। तो हमारे विराट सर ने इस सीजन में जिस हिसाब से रन बनाए हैं ना, तो देखा जाए तो वो इस सीजन में सिर्फ अपने आईपीएल करियर का एवरेज ही कम करवाने आए हैं। नहीं, जितने किंग कोहली ने इस सीजन में अभी तक रन बनाए हैं, इससे ज्यादा यार उनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है। इस साल विराट कोहली के खराब फॉर्म की वजह से चाहे आरसीबी को नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के फैन पेजेस भर भर के बन चुके हैं। खैर, किंग कोहली को हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक तो वो मेरे फेवरेट और दूसरी तरफ उनकी फैन फॉलोइंग, और प्लस अभी तो सिर्फ आधा ही आईपीएल बीता, आधा तो अभी बाकी है। वेल डन। तीसरे प्लेयर की बात करते हैं अपन लोग उमर मलिक की। इस टाइम अगर कोई मुझे पूछेगा ना यार कि इंडिया में सबसे महंगी दिहाड़ी कौन लेता, तो यार मेरी नजर में सिर्फ एक ही बंदर, वो है उमर मलिक। ये बंदा आता है हर मैच में फास्टेस्ट बॉल डालकर 1,00,000 रुपए की प्राइज मनी लेकर जाता है। इस बॉलर की खासियत एक ही बैट्समैन का विकेट लेने से ज्यादा उन्हें अंधा महसूस करवाने का शौकीन है, क्योंकि इसका काम ही है ग्राउंड पर आना और फास्ट बॉल डालकर निकल जाना है। अब देखो, आईपीएल के हर सीजन में सब बॉलर मरते हैं विकेट के पीछे ताकि पर्पल कैप जीत सके। पर्पल कैप जीतने के बाद उन्हें क्या मिलता है, 10,00,000 रुपए प्राइज मनी। लेकिन वही उमर मलिक हर लीग मैच में फास्टेस्ट बॉल डालकर ले जाता है 1,00,000 रुपए की प्राइज मनी, मतलब 14 लीग मैच में 14,00,000 रुपए। खैर, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ टीम्स की, जैसे कि मुंबई इंडियंस। अभी ना अगर मुझे इंडिया का नाम कहीं दो जगह गलत दिखता है, तो पहले तो है इंडियन टॉयलेट सीट जिसमें कि इंडियन या फिर हिंदुस्तान लिखा होता है, दूसरी चीज है मुंबई इंडियंस की टीम। लगातार 8 मैच कौन हारता है यार। अबे आरसीबी अगर मैच हारती भी थी तो कम से कम दिल तो जीत जाती थी, लेकिन इन्होंने तो दिल जीतने वाले काम भी नहीं किए। मुंबई इंडियंस के अभी तक की हालत देख कर बोला जाए ना, तो ये टीम इस सीजन में सिर्फ सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और बुमराह को निचोड़ने के लिए खेल रही थी। नहीं, पहले लोग सोच रहे थे यार कि चलो एक नहीं तो अगला मैच तो तीसरा मैच जीत जाएगी। 8 मैच हार कर लीग से बाहर होने के बाद लोग सोच रहे हैं काशी अपने सारे लीग मैच हार जाएगी, कम से कम इस सीजन में भी मुंबई इंडियंस के नाम कोई अटूट रिकॉर्ड तो बनता नहीं। यार पहले जब ना मुंबई इंडियंस 3-4 मैच लगातार हारे थे, मैंने सोचा यार कि शायद इनकी किस्मत ही ऐसी होगी इसलिए जीत नहीं पा रहे। लेकिन अब मुझे लग रहा है यार कि ये लोग चाहते ही नहीं है जीतना, क्योंकि यार क्रिकेट के भगवान इनके साथ है, इंडिया का सबसे अमीर इंसान इनके साथ है। अगर इसके बाद भी ये नहीं जीत रहे तो मतलब इन्होंने अपने मन से यार मान लिए। और कुछ मुंबई के हेटर्स तो ये भी कह रहे हैं यार कि इस सीजन में आकर मुंबई इंडियंस ने अपने दम पर खेलना शुरू किया है।
दूसरी टीम की अपन लोग बात करें तो वह है चेन्नई सुपर किंग्स, या फिर बोला जाए तो एमएस धोनी का वेरीफाइड और ऑफिशियल फैन पेज। ये टीम भी इस साल 90वें नंबर पे है, लेकिन इसके आधे फैंस तो सिर्फ इसीलिए खुश हैं क्योंकि चेन्नई जडेजा के कैप्टनशिप में मैच हार रहे हैं, एमएस धोनी के नहीं।